एवरी वन वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई वाह बारिश हो रही है और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है दस बजे का टाइम है और हमारी आँख खुल नहीं पा रही थी लेकिन बारिश काफ़ी देर से हो रही थी काफ़ी सुबह से हो रही थी आई थिंक आठ बजे से हो रही थी ना बारिश, बारिश थी बारिश ऑन एंड ऑफ हो ही रही थी बारिश तो खैर मैंने बोला जैसे ही मेरी आँख खुली मैं थोड़ी सी स्टेबल हुई मैंने बोला चलो थोड़ा सा ना मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ भी मौसम शेयर कर देती हूँ बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था माशाला से और हब्स भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था अच्छा जी उसके बाद अम्मी ने तैयारी करी उसकी नाश्ते की तैयारी करी क्योंकि आज अम्मी को बनाने थे पराठे आलू के पराठे वो इस तरह के थोड़ी तो सी ना कतलियाँ बची हुई थी अम्मी ने क्या किया उसी में आटा गूँध लिया था और मतलब उसको ना कतलियों को आलू की कतलियों को मैश कर दिया था और उसी में आटा गूँध लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त वाला आटा बन जाता है और बहुत अच्छे वाले पराठे बन के तैयार होते हैं और जो आलू लवर होंगे ना उनको तो हर फॉर्म में आलू तो पसंद होगा ही होगा ये तो आप लोग बात एग्री करेंगे करेंगे तो खैर बस सिंपल तरीके से अम्मी अच्छा अंदर ऑयल लगाती हैं तो उससे भी ना काफी अच्छे पराठे बन के तैयार होते हैं होती हैं हाँ, है, खस्ती घी आ जाती है पराठे के अंदर मतलब कैसा भी पराठा बनाएं अम्मी तो उसके अंदर जरूर जबकि के इसके अंदर काफी खस्ता बन के तैयार होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल वगैरह तो होता ही है लेकिन अम्मी अलग से थोड़ा सा ना घी लगाती हैं ना मतलब अभी कहती हैं नहीं ज़रा और कैलोरीज <laughs> ऐड कर हूँ उसके अंदर <laughs> नहीं। तो खैर बस यहाँ पे मैं बस घी वगैरह लगा रही हैं और हमारे यहाँ डालडा घी से बनते हैं पराठे वग़ैरह और असली ही हम लोग शौक से नहीं खाते बस अबू भाई खाते हैं और कोई नहीं खाता खैर ये आटा इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे आलू छोटे छोटे से और ये हम लोगों ने नाश्ते में खाया था और बारिश का मौसम हो इस तरह के पराठे मिल जाएँ तो क्या ही बात है ये वाले पराठे काफ़ी टेस्टफुल बनते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए होते हैं एक मसाले में और एक अपना फ्लेवर होता है जैसे कि अगर आप दाल के पराठे बनाएं जो दाल बची हुई होती है बनाए तो उसके अंदर सारे ही मसाले ऐड होते हैं तो, उसके अगर आप बनाते हैं, तो काफी फ्लेवरफुल अच्छा, एक, एक लेफ्ट ओवर जो फूड होता है उससे कुछ बनाना बता दें या फिर आप उससे Fresh. आ, उसको फ्रेश करना बता दें तो उसको फ्रेश तो नहीं किया जा सकता फ्रेश हम इस फॉर्म में कर लेते हैं कि आप कह लें आप उसके साथ कुछ क्रिएट कर सकते हैं कोई एक अलग चीज़ बना सकते हैं किसी चीज़ में जैसे कि हमारे घर में होता है हमारे घर में अगर जैसे कि आलू की भुजिया बची हुई थी तो अम्मी ने इसके पराठे बना लिए इसी तरह दाल अगर बच जाती है या दो तीन दालें बची हुई होती हैं तो अम्मी इसको मिक्स करके और फिर उसके पराठे बना लेती हैं और ये नहीं एक और बताती हूँ एक और आइडिया बता देती हूँ या फिर हम दलिए में ऐड कर देते हैं जो दलिया बनता है ना जो आ, देसी वाला दलिया होता है वो पकाते हैं उसके अंदर हम दाल भी ऐड कर देते हैं उसके अंदर कोई सब्जी दालिया वगैरह भी ऐड कर देते हैं तो एक वो ना हलीम का फॉर्म बन जाता है और वो हलीम का ही टेस्ट बन के तैयार होता है

पकौड़े बना लिया करती थी तो वो भी बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाया करती थी तो इसी तरह से आपको कुछ नया ही क्रिएट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए हम लोग जो जो आइडियाज होते हैं जो जो हम बना रहे होते हैं एक्चुअली क्योंकि हम अलग से क्रिएट नहीं कर रहे होते जैसे लाइफ चल रही है वही आप लोगों को दिखा रहे होते हैं ना खैर हमारा नाश्ता हो गया था बहुत मज़ेदार अचार के साथ आलू के पराठे और चाय का कॉम्बिनेशन आय हाय 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 और बारिश के मज़े ओए हो ऐ क्या मज़े आ रहे थे अच्छा जी ये है तकरीबन दोपहर का टाइम है और जो एक रात एक दिन पहले जो कोरमा बना था ना तो अपिया ने कहा अम्मी आप इसमें ना तय लगा देगा मतलब चावल की तय लगा देगा बिरयानी बन जाएगी तो अपिया ने क्या किया था इसी कोरमे के अंदर अपिया ने टमाटर ऐड कर दिए थे तो इसी हरी मिर्ची ऐड कर दी थी और लेमन ऐड किया था ना एक लेमन को स्लाइस

लग रही है, खाने का दिल चाह रहा तब तो निकल के गर्म हो जाता है और अब दोपहर में भूख नहीं लग रही है तो फिर वो नहीं निकलता और फिर ये होता है कि जब भूख लगे जब निकलता है है मतलब ये होता कि खराब भी नहीं होता इससे और वो फ्रीजर में भी रखा होता है तो ये फ्रीज़र का ही रखा हुआ था और बस इसको निकाला है हमने और उसके बाद बस इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी और पकने के बाद क्या होगा इसका बिरयानी का मसाला बन जाएगा अब अम्मी क्या करेंगी अम्मी जस्ट चावलों को बॉईल करेंगी और बिरयानी की तह लगा देंगी बस इसी की तह लगा देंगी तो ये बिरयानी बन जाएगी देखिए इसमें ना खाली टमाटर हरी मिर्चे और नींबू डालने से ना पूरा बिरयानी का मसाला ही तैयार हो गया और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये कोरमे में बना है ठीक है तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त वाली रेसिपीज एक रेसिपी में से दूसरी रेसिपी क्रिएट हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है हम भी इस तरह करते हैं आप भी इस तरह करेंगे तो फिर आप लोगों का मतलब ना रिस्क ज़ाया होगा ना कोई सी भी फूड भी ज़ाया नहीं होगा महंगाई भी वैसे इतनी हो गई है तो अब तो आप लोग इन सब चीजों पर आना ही पड़ेगा कि कोई खाना बना रहे तो उसको वेस्ट ना करें और उसको री कर लिया जाए तो खैर अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ तो इधर हम बाहर निकल गए थे अच्छा वहां पर बस मसाला तैयार किया था मैंने और उसके बाद मैंने मम्मी से कहा था आप इसको दम लगा दीजिएगा और हम जा रहे थे शॉपिंग के, के लिए ईद की शॉपिंग के लिए और इस मौसम में ईद की शॉपिंग के लिए हमें जाना पड़ा क्योंकि हमें ना पता है घर बैठे बैठे याद आया यार अबू का और निहाल का ड्रेस तो रह गया है और हमने वो परचेस ही नहीं किया लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो ये बात है कि बॉयज़ के ना सूट एंड मोमेंट पे भी लिए जा सकते हैं क्योंकि रेडीमेड मिल जाते हैं कोई परेशानी होती नहीं है ना ये होता है कि फ़िटिंग करनी है ना लूज़ करना है ये भी मसला नहीं होता तो फिर हम निकल गए थे अबू के साथ और आप मौसम देखें भाई कितना हसीन इतना मज़ेदार सा हो रहा था इतनी प्यारी वाली बारिश हो रही थी ना और अभी आपको दिख नहीं रहा लेकिन बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही थी एक हल्की वाली फुहार हो रही थी जो कि आप इन्जॉय कर सकते हैं बाहर निकल के बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होती है तो उसके अंदर तो इन्जॉय नहीं किया जा सकता है क्योंकि हाँ। अगर आप बाहर निकले तो डर लगने लग जाता है कि यार बारिश हो रही है फंस ना जाए लेकिन इस तरह का मौसम होता है तो आप इंजॉय करते हैं अच्छा अबू हम लोगों को छोड़ देंगे करीमाबाद की तरफ क्योंकि हम लोगों को जाना था हुसैन हुसैनबाद वहाँ से कुछ सामान लेना था जोया और मुझे ना तो अबू और निहाल हमारे साथ थे तो इन दोनों ने क्या किया था हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और हमने कहा कि रहने दें आ, कभी इस तरह से होता है ना कि अलग अलग रूट होते हैं हम लोगों के तो हम कहते हैं आप हमें छोड़ दें हम बाकी चीज़ें हम खुद मैनेज कर लेंगे तो हम दोनों साथ होते हैं तो हम दोनों मैनेज कर लेते हैं सारी चीजें इतना तो होना चाहिए मतलब लड़कियों को इतना तो होना चाहिए कि अपने काम खुद करें इतने डिपेंड नहीं होना चाहिए अपनी फैमिली पे कि कहीं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप ना जा सके नहीं भाई अपने काम भी खुद करने चाहिए हाँ सहूलत होती है कि अबू के साथ चले जाएं तो बहुत अच्छी सहूलत होती है लेकिन जब आपकी वो हो कि सबके अलग अलग काम हैं तो आपको भी काम कर लेने चाहिए अच्छा हम चले गए थे पहले हम गए थे हुसैन तो हुसैन से हमें लेना था डेकोरेशन का कुछ सामान लेना था और ये क्यों लिया है किस लिए लिया है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा और जो करेंगे वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा तो ला नेक्स्ट स्लोक ज़रूर देखेगा अच्छा जी हमने ये ले लिया था उसके बाद हमें जाना था चेज़ वैल्यू और वहाँ पे जाना था फा, फाइव स्टार वाले फाइव स्टार वाले चेज़ जाना था तो यहाँ से हमने रक्शा ले लिया था और काफ़ी अरसे बाद रक्षे में सफ़र किया <laughs> क्योंकि आप रक्षे में जब सफ़र करते हैं तो आपका इंचर पिंचर हिल जाता है <laughs> क्योंकि कराची की जो सड़कों का हाल तो है ना वो तो बस माशा ये हम क्या कह सकते हैं क्योंकि हमारा अपना शहर है और हमें अपना शहर बहुत पसंद है जैसा भी हमारा शहर है हम हाँ। रहते हैं यहाँ पे तो खैर बस हम लोग जा रहे हैं और रास्ते को एंजॉय कर रहे थे हवा बहुत अच्छी चल रही थी मौसम भी तो इतना अच्छा था बहुत अच्छा था, अच्छा था। ऐसे मौसम में वैसे रक्षा का सफ़र अच्छा लगता है क्योंकि धूप वाले मौसम में नहीं अच्छा लगता ये वाले मौसम में हाँ। अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप गर्मी में जा रहे हैं ना तो चारों तरफ से सिर्फ धूप ही आएगी आपकी तरफ और कुछ नहीं होगा तो बस हमने थोड़ा बहुत रास्ते को एंजॉय किया फिर हम पहुंच गए थे फाइव स्टार पे और यहाँ से हमें अबू और निहाल के लिए सूट लेना था तो उसको सर्च करने में काफी टाइम लगा और शुक्र है ये लोग हमारी पसंद के कपड़े पहन लेते हैं अबू भी पहन लेते हैं असल में हम लोग पता है क्या करते हैं जब हम घर से निकल रहे होते हैं ना तो एक नज़र हम ना ज़रा इनका कबड़ खोल के उसमें मार लेते हैं कि पिछली बार हमने कौन कौन से कलर मार लेते हैं नज़र मार लेते हैं देख लेते, 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 लेते <laughs> हैं कि कौन कौन से कलर के सूट हैं इनके पास या पिछली बार हमने ईद पे कौन सा कलर का सूट लिया था तो फिर उसी के हिसाब से ना उसके अपोज़िट या उससे थोड़ा बेहतर कलर या वो कलर जो इनके पास मौजूद नहीं है तो वो हम लेने की कोशिश करते हैं तो फिर ये लोग चूज़ कर लेते हैं इनको पसंद आ जाता है और समाइम ऐसा होता है कि अगर नहीं पसंद आया इनको से पसंद तो आ ही जाता है या साइज में कोई मसला होता है तो यहाँ पे फौरन से चेंज हो जाता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इसलिए हम ना टेंशन फ्री होकर आ जाते हैं यहाँ पे तो इनके कपड़े वगैरह हमने ले लिए थे उसके बाद एक चक्कर यहाँ का तो बनता ही था बर्तनों की तरफ मतलब ये यह तो हम पे, पे फर्ज है हाँ, बिल्कुल मतलब कहीं पर भी जाए यहाँ पे जरूर आते हैं वाले सेक्शन में भले कुछ लेना हो या नहीं लेना हो लेकिन फिर भी हम कुछ ले ही लेते हैं ऐसा होता ही हमारे साथ तो खैर यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या क्या नया आया हुआ है और क्या क्या पुराना रखा हुआ है मोस्टली चीजें पुरानी थी नहीं मुझे कुछ कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आई और जो मुझे अच्छी लगी कहा मैंने तो सोचा मैंने मैंने मैं ले लू एक मुझे पसंद भी आया था फ्लावर वाला तो आ, फिर मैंने नहीं लिया वो क्यों नहीं लिया ये वाला फ्लैटर ना तो वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि अम्मी बोलती हैं इसको तुम रखो फिर अपनी अलमारी रख रही कैबिनेट में तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया मैंने कहा यार कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसको फिर रखने का मसला होगा तो खैर बस यहाँ पे से हम लोगों ने घूमे फिरे घूमे फिरे ऐसे ही नहीं घूमे फिरे जो जो सामान हम लोगों को लेना था छोटा मोटा सामान ले लिया, लिया, लिया यहाँ से और यहाँ पे यार मैं लकड़ी के स्पून ढूंढ रही हूँ वो मुझे अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं और ये मैंने उठाया मैंने फेंका नहीं था मेरे हाथ से गिर गया था और मैंने इसको उठा के देखा तो इसकी क्वालिटी बहुत खराब थी मिल रहे हैं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी वाले नहीं मिल रहे अगर आप लोग बताइए कि मैं कहाँ से परचेज कर सकती हूँ तो मुझे बताइएगा मुझे टी स्पून चाहिए या फिर टेबल स्पून चाहिए वो, वो खाना पकाने वाले नहीं चाहिए छोटे साइज के चाहिए और बस हम घर आए घर आते आते हमें कुछ आठ बज गए थे और हमें बहुत भूख लग रही थी आ, रास्ते में से हमने कुछ नहीं खाया कहीं नहीं रुके क्योंकि हम लोग अकेले थे अबू साथ होते तो हम लोग कहीं ना कहीं रुक जाते हैं लेकिन ये कि जब अकेले होते हैं तो ये होता है बस जल्दी से घर पहुँच जाओ मतलब उड़ के घर पहुँच जाओ इतनी जल्दी से पहुंच जाओ और हम भूखे इतने यूँ थे क्योंकि हमने जाहिर सी बात है तो दोपहर का खाना नहीं खाया बस, बस सुबह का, का खाया हुआ था हाँ सुबह का नाश्ता किया हुआ था और फिर हम घर पहुंचे है ना तो अम्मी से हमने बोला भाई जल्द से जल्द आप ना बस खाना निकाल दें बहुत भूख लग रही है क्योंकि इतना चलते रहो चलते रहो और आपको पता ही है कि मार्केट में कितना लग जाता है कोई भी एक भी एक छोटी सी चीज सर्च कर रहे हो ना तो काफी ज्यादा टाइम काफी लग टाइम है। लगता है और हमें काफी टाइम लग गया था इसलिए तो हमें तकरीबन आठ बज गए थे और हमारे आते के साथ ही ना अबू भी आ गए थे थोड़ी देर में ना तो खैर हम लोगों ने बस ये खाना वगैरह खाया और ये हमारी बिरयानी बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी एक अलग शक्ल बन जाती है एक अलग टेस्ट बन जाता है तो सब लोग खा लेते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि आपने किस में क्या बनाया है तो खैर इसी तरह मतलब से कर लिया बिरयानी हाँ, प्रॉपर बिरयानी बन गई थी एक तरह से अच्छा जी इसके साथ में ये बता दू ये जो चटनी के साथ हम खा रहे हैं ना ये है टमाटर की चटनी और इसकी रेसिपी आपको टेस्टी फूड विथ मारिया पे मिल जाएगी बहुत ही जबरदस्त दो चटनी मैंने अपलोड की है बहुत ही जबरदस्त मतलब ऐसी वाली चटनी कि आप ना ये वाली चटनी आप बनाएंगे ना और बकर में बहुत काम आने वाली है क्योंकि तिक्कों के साथ और जो आ, मंदी राइस बनते हैं या प्लेन राइस भी बनते हैं या प्लाव बनता है ना उसके साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा इस चटनी का तो ज़रूर ये ट्राई करेगा क्योंकि बड़ी झटपट वाली रेसिपी है अच्छा जी ये हमने खाना खा लिया था खाना खाने के बाद एज़ यूजल मैं बैठती हूँ कंप्यूटर पे मतलब पीसी के सामने बैठती हूँ और जो मुझे थोड़े बहुत काम होते हैं वो करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी सारे कॉपी राइट्स आए हुए होते हैं और ये मेरा तकरीबन डेली का काम है और आप लोग बोलते हैं ना कि यार आप इतना कॉपी कॉपी पे क्यों इतना इशू क्रिएट करती हैं एक्चुअली हमारी ना डेली बेसिस पे कॉपी हो रही होती है और लोग ना हमारी वीडियोस उठाते हैं ये तो बाकायदा ये चोरी वाली बात है ना एक हाँ। तो कॉपी तो एक अलग बात है कि लोगो, लोगों का दिमाग ही नहीं चलता वो आपको देख के कंटेंट बना रहे होते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग होता ही नहीं है ना निलवटा चार होते हैं बेचारे और यहाँ पे ये दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कि पूरी पूरी वीडियोज़ उठा के अपने चैनल्स पे अपलोड कर देते हैं मतलब यहाँ पे तो एक जीरो की भी मेहनत किसी को करनी नहीं है आजकल बस ये है कि हम मेहनत ना करें और हमें बस पैसे मिल जाए लोग

और इधर मैंने इसको डायरेक्टली तवे पे डाल दिया उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया थोड़ी सी लाल मिर्ची थोड़ा सा गरम मसाला इसको एक्चुअली मैं दे रही हूँ फ्लेवर और अगर आपके पास फ्लेवर वाला चिकन है तो आप उससे भी ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। मतलब तिक्का हो टिक्का हाँ टिक्का फ्लेवर है या फिर कोई सालन बना हुआ है ना मैं बचपन में बनाती थी असल में ये वाली रेसिपी अचानक से मुझे याद आई और ये मैंने देखी थी कहीं पर मैंने कहा जो है मैं भी तो इसी तरह से बनाती थी ना तो मैं बनाऊँगी इसको ना किसी दिन तो ऐसी चिकन रखा होता मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ तो यहाँ पर मैं बर्गर्स बना रही हूँ और बहुत आसानी से आप ये बर्गर्स बना सकते हैं नाश्ते के लिए बना रही थी तो मैंने एक एक अंडा लिया था सब के लिए आप लोग चाहें तो थोड़े कम में भी बना सकते हैं तो यहाँ पर बस मैंने क्या किया एक अंडा लिया उसको फेंट लिया तवे पे डाला थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दी इसमें और कुछ नहीं ऐड किया अब ये जो चिकन है ना जो चिकन था मेरे पास तकरीबन डेढ़ वो था ब्रेस्ट पीस था मेरे पास श्रेड हुआ हुआ तो मैंने उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया था उसी के हिसाब से मैंने चिकन इसके ऊपर रखा अब ये क्या करेंगे हम इसकी हम पैटी बना लेंगे इसको आपने हल्का सा प्रेस करना है और चारों तरफ से आपने इसको इस तरह से कवर कर देना है तो ये एक पैटी की शक्ल बन जाएगी तो आपका ना चिकन बर्गर बन के तैयार हो जाएगा बड़े मज़ेदार सा अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नाश्ते में ही खाएं क्योंकि हम लोग नाश्ते में खा रहे थे हम लोग जरा हैवी नाश्ता खाते हैं जब हम देर से उठते हैं तो तो ये होता है कि कुछ ऐसा खा लें जिससे पेट भर जाए तो ताकि दोपहर का खाना फिर स्किप हो जाता है हमारा तो बस यहाँ से आपने क्या करना है इसको चारों तरफ से ना इसको आपने इस तरह से बंद कर देना है और उसके बाद इसको पलट के सेकेंगे तो हमारी बन जाएगी बहुत ज़बरदस्त सी चिकन पैटी और इतनी जल्दी वाला ये पैटी बर्गर बन के तैयार होता है ना कि आप लोग देखते जाएंगे जाएँगे फटाफट पाँच मिनट में तो बनता है ये वाला हाँ वाकई में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और यहाँ पर मेरे पास चिकन मतलब सादा था इसलिए मैंने उसको हल्का सा तवे पर पका लिया था अगर आपके पास कोई मसाले वाला है जैसे कि कोई कोरमा बचा हुआ है उसकी बोटियाँ रखी हैं उससे भी आप बना सकते हैं ब्रोस्ट से भी बना सकते हैं आप या फिर कोई सालन बना हुआ कढ़ाई वगैरह और बाजू का ऐसा होता है ना खाली बोटियां बोटियां बच जाती हैं तो आप उसके साथ भी ये वाला सलूक कर सकते हैं और ये अच्छा। वाला आप सलूक ना बीफ के साथ भी कर बिल्कुल सकते हाँ बीफ के साथ भी हाँ। क्योंकि पकड़ाई जा रही है तो बीफ वगैरह तो बहुत भरा हुआ ही होगा सबके घर में और अक्सर ऐसा होता है कि बच जाता है ना तो अच्छा यहाँ पर मैं ना इस पैटी को थोड़ा प्रेस कर करके पका रही हूँ क्योंकि ना अंडा जो होता है वो अंदर तक बोटियों में चला जाता है मिक्स हो जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा ना कच्चा रह जाता है बीच में से तो आपने हल्का सा प्रेस कर करके इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और अच्छे से कुक करना है यहाँ पर जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई हुई थी ये बहुत मजेदार है असल में ये चटनी बहुत टाइम तक नहीं स्टे करती है फ्रीजर में रखेंगे तो कर जाएगी लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो एक हफ्ते तक ही रहेगी इससे ज्यादा नहीं रहती क्योंकि इसमें टमाटर ऐड हुआ हुआ है तो बस ये वाली चटनी मैंने लगा दी थी बन के ऊपर बन को हल्का सा सेक लिया था तवे के ऊपर हल्का सा क्रिस्पी कर लीजिएगा वो अच्छा लगता है थोड़ा सा बस मेयोनीज लगाएंगे इसके ऊपर और मैंने इसी तरह से ना ये चार पैटीज बना के तैयार की थी चार बर्गर्स के लिए हम चारों के लिए और इस पे इस लगा दी है इसके ऊपर रखेंगी वो पैटी जो हमारी बन गई है बहुत ज़बरदस्त सी और उसके ऊपर लगाएंगी अपिया कैचअप लगाऊँगी ना बस हाँ। हल्का सा कैचअप लगाऊंगी और बस इसको कवर कर दूंगी अब आप लोग तो शाम वाम में बना रही हैं तो सुबह का टाइम था और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह खाने का दही दिल चाह रहा होता है सबके साथ मतलब प्याज टमाटर वग़ैरह या फिर कोई सैलड नहीं तो आप चाहें तो कोई सैलड भी इसके ऊपर रख देंगे ना तो आपका एक लेवज सना आप कह लें बर्गर बन तैयार हो जाएगा ये बच्चों को भी आप बना के दे सकते हैं जो खातानी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं

और ये आराम से इतना मजेदार सा रोल पराठा भी बन के तैयार हो जाएगा चिकन का और बच्चे तो आपको पता है ना चिकन के नाम से खा ही लेंगे जिनको चिकन बहुत पसंद है जिन बच्चों हाँ हा, असल में अपनी ने रोल पराठे का आइडिया भी यूँ दिया है क्योंकि अक्सर हम निहाल को इस तरह से बना के दे देते हैं जब वो कभी खाने में नखरे कर रहा होता है ना तो हम चिकन को इसी तरह पकाते हैं उसके ऊपर हम अंडा डालते हैं और फिर कैचम्योनेस वगैरह लगा के और रोल बना के दे देते हैं तो वो भी खा लेता है खुश हो जाता है मतलब कभी कभार वो दाल सब्जी में नखरा अगर जो बच्चे करते हैं ना तो उनके ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है और बहुत आसानी से दिया जा सकता है तो बस ये तक यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो और इसके साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज